अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है तैयारी कर ली होगी आप लोगों ने। ITB का सबसे बड़ा टिप्स जो है ना, मुझे क्या है ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है। ITB का सबसे बड़ा ये आपका टिप है कि ज़्यादा पॉइंट्स, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे इसमें, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ही नंबर ज़्यादा मिलेंगे और पास होने के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? और जो आपकी शीट होती है जो वो आपको देते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, वो आपकी फुल होनी चाहिए। फुल फुल यानी खाली करनी है आपने, जो कॉपी आपको दी जाती है उसको आपने पूरा करना है। ठीक है बच्चे, ये दूसरा टिप है। और तीसरा टिप ये है कि अगर आपने पॉइंट ज़्यादा लिखने हैं और आप चाह रहे हैं कि 5 के 5 सवाल आपके टाइम पे हो जाए, तो इससे करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ITB में सबसे पहले आप लोग डेफिनेशंस लिखेंगे, जो इससे मैंने आपको बताया है, ठीक है। डेफिनेशंस के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ITB के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास आ गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ गए, आपने इसके कितने पॉइंट लिखने हैं, 20, इसके भी 20 लिखने हो गए। अब इतना टाइम तो होना नहीं, जाहिर सी बात है। इसका आसान तरीका ये है कि आपने इस 20 पॉइंट को, जो सबसे बड़ा मैंने आपको टिप्स बताया है, क्या करना है, सारे पॉइंट्स आपको 20 पॉइंट आते हैं ना, शीट पे जाना है, ठीक है, शीट पे जाके 20 के 20 पॉइंट लिख लेने हैं, ठीक है। और क्या करना है, उसमें से सिर्फ दो दो लाइनें छोड़ देनी, दो दो लाइनें, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है लार्ज कैपिटल। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको, ज़रा आपके रिमाइंड हो जाए, लार्ज कैपिटल नीचे लाइन लाजमी लगानी है आपकी, ठीक है। इसकी मैंने दो लाइनें छोड़ दी, नीचे आ गया ये एक आ सकता है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट का पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तीसरे पे आ जाए मेरे पास क्या है, रिस्क लगा देता हूँ मैं, ठीक है, रिस्क। ये बच्चों जब पॉइंट ज़्यादा हो ना, तो आपने ये वाला तरीका नहीं करना है, मैं बता दूँ कि बच्चे ये काम कर जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ITB का पेपर ज़रा लेंथी होता है। ठीक है, तो ये ITB का पेपर ऐसा है जिसमें पॉइंट ज़्यादा लिखने होते हैं, बाकी MBF का और इकोनॉमिक्स का इतना नहीं होता है, लेकिन ITB में जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास होने के चांसेस होंगे। और बच्चे एक और चीज़ है कि आपने जब ये हेडिंग सीखनी ना, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, याद रखें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, लिखते जाना आप, लिखते जाना। अब इसका सबसे आसान तरीका ना याद करने का, ये जो पॉइंट्स, ये जो परफॉर्मा मैंने आपको बताया ना, ये वाला, ठीक है, ये बच्चों आप लोगों ने ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं करना। आप जैसे कि इसके 20-20 पॉइंट्स है, इसमें टाइम ज़्यादा करेंगे आप, ये मैंने तब भी करना है जब मेरे पास 7-8 पॉइंट्स हों, तब करने, अदरवाइज़ नहीं। सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका, आपने 5 क्वेश्चन करने हैं ना, आप लोगों ने करना है पहले 2 क्वेश्चन करने हैं बच्चे, बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई है, कर लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, फिर आप लोगों ने ये तरीका करना है, हर सवाल के पॉइंट्स लिख के 2-2 लाइनें छोड़ देनी है, हर सवाल के पॉइंट्स लिख के 2-2 लाइनें छोड़ देनी, ठीक है। उसके बाद टाइम नोट करना है और इस 2
लाइंस के अंदर आपने लिखना शुरू करना है, आपके जहन में जो भी चीज़ आती है लिखना शुरू करते हैं आप अल्फाज में, ठीक है। इससे ये होगा पेपर आपका पूरा हो जाएगा और दूसरा आपको नंबर भी हो जाएंगे और तीसरा आप पास भी हो जाएंगे और इस तरीके से एग्जामिनर भी आपको नंबर देगा। तो ये बड़े बड़े टिप्स हैं जो बच्चे करते नहीं हैं। बच्चे कहते हैं कि जी हमने सारे सवाल याद किए हैं, एग्ज़ाम्स में जाते हैं लिख के आते हैं फेल हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो इन्होंने रट्टे मारे होते हैं लेकिन जब उनका रिज़ल्ट आता फेल होते हैं। क्यों? उनको ये तरीके नहीं पता। ज़्यादा पॉइंट्स आई टू वी में, ठीक है। दूसरा क्या है, शेड्स आपकी फुल होनी चाहिए। और उसमें तीसरा ये क्या है कि आपने इस तरह तरीका करना है। सबसे आसान तरीका है, टाइम आपका बचेगा और दूसरा पेपर भी फुल होगा क्योंकि पेपर लेंथी होता है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है बात तो मुझे बताएं फिर मैं आगे चलूँ। नेम वीक्स कैसे होते हैं अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। बताता हूँ, अच्छा जी आ रही है बच्चों, ये क्या है क्लैन जैसे क्लियर आ रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपकी जो है क्लियर हो जाते हैं आ रहे हैं। ये मेरे पास बुक है बच्चों, अब मैं जो बोलने लगा आप लोगों ने बताना है कि क्लियर है कि नहीं। बच्चों सेम सी बात है, ये जो क्वेश्चन है ना ये देखें, अब अगर एग्ज़ाम भी क्वेश्चन आ रहा, अब मैं आपको ना तैयारी करवा रहा हूँ छोटी सी। कहता है एक्सप्लेन द स्कोप और डिवीजन, ठीक है, या ब्रांच भी आ सकता है या कंपोनेंट, ठीक है। देखें एक ही सवाल में कितनी चीज़ें, स्कोप, डिवीजन, ब्रांच या कंपोनेंट, तो इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखने की जब भी आपसे स्कोप पूछे, देखिए तीनों चीज़ें पूछी हुई हैं, ब्रांच पूछ ले, स्कोप पूछ ले, डिवीजन पूछ ले, एक और वर्ड्स तुम्हारा होता है कंपोनेंट, तो उसमें ये वाला सवाल लिखना है। बच्चों ये सवाल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, ये देखिए ये याद किया सपने, अब मैं जब पूछ रहा हूँ मुझे बताते जाएं। सपने ये लर्न किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस अच्छा जी, यस ये की है ईमान मतलब गुड, ठीक है। तो बच्चे ये इसकी पहचान है, इसकी पहचान ये है कि जब भी आपको कह देगा कि स्कोप ऑफ बिज़नेस लिखे, या आपसे ये कह दे कि आपने डिवीजन ऑफ बिज़नेस लिखना है, या वो आपसे ये कह दे कि ब्रांच ऑफ बिज़नेस लिखना है या कॉम्पोनेंट बिज़नेस लिखना है,
जी बच्चों, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ ये टेबल का बहुत ज़रूरी है, टेबल हमेशा छोटे पॉइंट्स में बताना, ठीक है। जैसे कि बच्चों मेरे पास है अब जो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, ज़रा यस करें तो फिर मुझे लगे ना कि कोई देख रहा है, वरना फिर मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर देता हूँ। जी फायदा भी, और जल्दी करें बच्चे, टाइम नहीं इतना। ईमान जी, फरहान आगे, सकलैन, और ये हो गए हैं सर, ये वन मेरे पास नहीं है। यस जरीश, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है, अगर नहीं किया हुआ तो बच्चों अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं भी हो रहा है तो जस्ट पॉइंट्स याद कर लें, ठीक है। लास्ट कोई क्वेश्चन आपका रह भी जाता है ना तो जस्ट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, और एक एक लाइन में पढ़ते हैं, नंबर दे देगा वो आपको, क्वेश्चन आप लोगों ने कोई नहीं छोड़ना, ठीक है जी। आ गई है ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, बता चुका हूँ। जी क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेस मैन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बच्चों ने याद किया, ज़रा साथ साथ चलें क्विकली। क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेस मैन सबने याद किए बच्चों, इसमें तो आप अपने से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। देखिए इसमें बड़ा अच्छे पॉइंट है, मेरे पास जो बुक ना इसमें बहुत ईजी लिखा होगा, अब आप कौन सी बुक याद करते हैं ये मुझे पता नहीं जी। ठीक है, पॉइंट अगर क्वेश्चन कोई अपने से भी आ जाए ना तो उसको अपने से एक्सप्लेन करने का घबराना नहीं होता, इसमें पॉइंट से ज़्यादा लिखने, जितने ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे उन्होंने आपको पास कर देना और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है बच्चों, आगे है फंक्शंस ऑफ बिजनेस, किसी ने याद किया फंक्शंस ऑफ बिजनेस। अच्छा बच्चो ये इसके जस्ट ना आप लोग ना क्या करें, एग्जामिनर में जाने से पहले पॉइंट्स ही याद कर लें, ठीक है, जस्ट पॉइंट्स ही याद कर लें। ये देखिए प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट, इनोवेशन, कंट्रोलिंग, अकाउंटिंग, ज़्यादा नहीं है। अब बच्चे इसके हैं 12 पॉइंट, ठीक है, 12 पॉइंट लिखने के बाद ना जो भी मैंने आपको स्कोप ऑफ बिजनेस बताया ना उसके पॉइंट भी इस पर ऐड कर लें, लास्ट में इसके पॉइंट भी इसमें ऐड कर लें, नंबर आपको दे देगा। आपने इसमें ज़्यादा मटेरियल ऐड करना है, क्लियर हो गया, उसके पॉइंट भी इसमें ऐड कर दें, क्लियर, सबको क्लियर है। अच्छा उसके बाद बच्चों सोल प्रोवाइटरशिप है, आपकी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, सर जी ये कौन सा क्वेश्चन बताया आपने अभी अभी, फंक्शन ऑफ बिजनेस। बच्चे मैंने बताया फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बिजनेस, फ्राइज के हैं, फ्राइज ही में आना सारा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक सवाल लाजमी आता है, ठीक है, देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा नंबर, ये तो बहुत आसान है, अपने से लिख रहे हैं, एक एक दो दो इधर दो दो लाइन में एक्सप्लेन हुआ है, आपने दो दो लाइन की, आपने पता करना है, वही तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने अपना टाइम सेव करना है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे नंबर लो, आपने ये 300 पॉइंट ना लिख के ना दो दो लाइनें छोड़नी, सिर्फ दो दो लाइनें, दो दो लाइनें 20 पॉइंट लिख लिए दोनों के, उसके बाद आपने फटाफट इसको भरना है, टाइम भी सेव और नंबर भी मिल जाएंगे, ये भी कर ली सपने, ठीक है। और मैंने इसमें कहा था, कहाँ गया है, एक बच्चे ये भी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती है, वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इफ़ डैट वन इज़ बिग इनफ
तो इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, एडवांटेजेस ही लिखने हैं, ये भी बताया मैंने। ओनली एडवांटेज, यस ओनली एडवांटेज सिर्फ लिखने हैं आपने। जी अच्छा बच्चे, याद रख लें, ज़रा मैं बता दूँ कि ना सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या सोल ट्रेडरशिप एक ही बात है। बास के एग्ज़ाम में ना सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह ना सोल ट्रेडर लिख देते हैं, क्लियर हो गया, सोल ट्रेडरशिप लिख देते हैं, तो इसका एक ही मतलब है। आप लोगों ने कन्फ्यूज़ ही होना कि जिसने सोल प्रोप्राइटर का वर्ड इस्तेमाल, सोल ट्रेडरशिप सोल प्रोप्राइटर एक ही बात है, ठीक है। ये पार्टनरशिप कहाँ गया है बच्चों? अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है, अगर वो आपसे कहता है डिफाइंड पार्टनरशिप, ठीक है, एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देने हैं। खाली अगर वो आपसे कहता है ना कि राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो फिर डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन टू दी पॉइंट का आंसर देना आपने, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इसका भी तरीका कार है बच्चों, आप लोगों ने सारे पॉइंट्स लिख के दो दो जो है जगह छोड़ देनी है, उसके बाद अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। सबसे बेस्ट टिप दे रहा हूँ, उससे आप फेल भी नहीं होंगे और पेपर भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि I2B में अगर आप शीट को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पास करना तो आपका 100% गारंटी है। बात सुनो बच्चे, ये जो आप बकवास कर रहे हैं ना, यहाँ जगह नहीं है, बच्चे बैठ के सारी क्लास ले रहे हैं, या तो आपको जो है खोलना नहीं आ रहा, या आपको नेट की समझ नहीं है, समझ आई है ना? हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब बच्चों ने याद किए ना, ये लाजमी करनी है आपने। आगे आ जी, अब आप लोगों ने पता नहीं कौन सी बुक लगाई है, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें वर्डिंग इतनी सी लिखी है कि मिनटों में सवाल आपको याद हो जाता है। जी उसके बाद है पार्टनरशिप डीट, किस किस ने याद किया बच्चों? व्हाट इज़ द पार्टनरशिप डीड, डिस्क्राइब्स एसेंशियल्स, ठीक है, फीचर्स भी आ सकता है और पॉइंट्स भी आ सकता है, एक ही क्वेश्चन के मैंने आपको रुख बता दिए। ये सवाल किस किस ने याद किया, जल्दी जल्दी मेरे पास भी वाली बुक है। गुड,
पहले जाके ना नेट का अच्छी तरह से इस्तेमाल देख लो कि जब आपको लिंक भेजा जाता है उसमें जाके कैसे आप ज्वाइन करते हैं, बच्चे बैठ के कब से क्लास ले रहे हैं और हर रोज़ हो रही, जिस दिन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ यहाँ आप ड्रामा लगा रहे हो, नेट का इस्तेमाल करो। और ऐसे स्टूडेंट कामयाब नहीं होते जो इस तरह की बकवास करते हैं, समझ आइए ना। जी ठीक है, देखिए इसके बच्चों बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं मेरे पास 24, तो आप लोगों ने 24 ही लिखने हैं इसके, ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा उसके बाद है बच्चों ये क्वेश्चन, राइट लाइबिलिटीज़ और पार्टनरशिप, इसमें तीन आते हैं, ड्यूटीज़ भी आती हैं, राइट्स भी आती हैं, लाइबिलिटीज़ है ये पार्टनरशिप के, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पॉइंट्स है, सारी इसमें पॉइंट्स की गेम है। जी यहाँ मैं नहीं किया बच्चे, ये करना लाजमी आपने। बच्चों ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस ड्यूटीज़, ठीक है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें राइट्स आपने लगा लिखनी है, लाइबिलिटीज़ आपने लिखी, ये मेरे पास लिखी सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप है, ये सवाल आ जाता है, इसको याद कर लें, पॉइंट्स याद करने भी टाइम है आपके पास। उसके बाद ये देखिए राइट्स है, ये बड़ा अच्छा लिखा जाता है सवाल। उसके बाद ये आ गई हैं लाइबिलिटीज़, ठीक, ये भी याद कर लिए। अभी आप लोगों ने बैठ के पता ही करना है, बैठ के पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, पॉइंट्स का सबसे बड़ा जो है इस्तेमाल है वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद बच्चों मेरे पास है डिफाइन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच अ पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, दो तरह के सवाल आते हैं, एक कंपनी का भी आता है, एक पार्टनरशिप का भी आता है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने भी लाजमी याद करना है। मैंने आपको गैस में जितने क्वेश्चन दिए हैं ना वो आप लोगों ने सारे याद करने हैं, अगर उसमें से भी आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे ना फिर वही मसला बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबने याद किया है। जी दो बच्चे देख रहे हैं, जवाब सिर्फ जो है ना चंद चंद लोग दे रहे हैं, मैंने भी किया है ये, गुड ठीक है, तो बच्चों ये लाजमी याद करना, आगे आ जाए, ये पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे बनाने हैं, ठीक है, उससे नंबर मिलने, अभी भी कह रहा हूँ अभी जो आपके पास आप फ्री बैठे हुए ना आप लोगों ने हर क्वेश्चन के पॉइंट्स को याद करना है और उसको स्पीड से लिखना सीखना है, क्योंकि आई टू बी में सारी गेम आपकी जो है वो पॉइंट्स की है, अगर आप पॉइंट्स के साथ पूरे पेपर को फुल कर लेते ना तो ये 100% आप लोग पास हो जाएंगे,
इंफॉर्मेशन ऑफ जॉनस्टोन कंपनी का है वो मैं बताने लगा हूँ। अच्छा एक और चीज़ पूछो, डिफरेंस भी एक आपका बास का आ जाता है। ये डिफरेंस बात का आता है बच्चों, को ऑनरशिप एंड पार्टनरशिप। को ऑनरशिप असल में बच्चों क्या था आपका, ये भी याद रख लेना आप, ये असल में सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है। आप बता जाए ठीक है बच्चों। देखिए अगर आप इस तरह आके आंसर ना करेंगे फिर एमबीएफ की गैस अभी मैंने डाले नहीं है, अभी एमबीएफ की गैस डालने हैं, तो इस तरह की आप लोगों की स्पीड होगी ना। देखे ना आप नौ स्टूडेंट देख रहे हैं जो आपने स्लोली स्लोली दे रहे हैं, फिर एमबीएफ की गैस फिर इसी तरह फिर लेट होगी। आप देखे ना एमबीएफ की गैस अभी डले नहीं है, आईटीबी के तो बंधे हुए थे ना, एमबीएफ के डालने अभी मैंने, तो दो पेपर्स रह गए हैं, ज़रा अच्छी तरीके से बच्चे काम करें। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस का तरीका मैं बता चुका हूँ बच्चों। डिफरेंस जब आपने लिखना है अगर एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस आ जाता है, ये भी देख लें डिफरेंस बिटवीन को ऑनरशिप एंड पार्टनरशिप, ये इसी तरह करना और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट, तभी नंबर मिलने हैं इस तरह, ठीक है, बीच में डबल लाइन, ये डिफरेंस करने का तरीका है। यहाँ पे को ऑनर का हो गया, यहाँ पर पार्टनरशिप का हो गया, ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, ये डिफरेंस ये मैंने बता दिया, इसको आपने इंपॉर्टेंट याद करना है, तरीकाकार मैंने बता दिया, वैसे ही लिखना है अपनी मर्जी से, नहीं लिखना हो गया। अच्छा जी आगे जी जॉइंट स्टोन कंपनी बच्चों, आपके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना वो तीन है, ठीक है। एक आपके सोल प्रोवाइडरशिप के हैं, एक पार्टनरशिप के हैं, एक जॉइंट स्टोन कंपनी के हैं, तो तीनों में से एक तो कंफर्म है वो आपको लाजमी आएंगे, इसलिए इनके पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लें। अभी आपका पेपर 2 बजे स्टार्ट होना है और टाइम हो रहा है अभी 9:45, ठीक है, तो 9:45 के हिसाब से काफ़ी टाइम हो जाएगा तैयारी आपकी, ठीक है। तो अभी आप लोगों के बस थोड़े 2 पेपर रह गए, तो दिल लगा के पढ़ें। इंशाल्लाह पार्ट 2 की क्लास स्टार्ट होनी है, वो क्या प्रोसीजर होगा, उसकी रेगुलर क्लासेस क्या होगी, वो मैं सारा आखिर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। कोशिश ये है कि आज की इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग होगी, क्योंकि एमबीएफ का पेपर है और एमबीएफ जो है स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल लगती है। हो गया तो बच्चों करैक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, एडवांटेजेस है बच्चों, एडवांटेजेस ही आपकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे परेशान नहीं होना, अगर एग्जाम्स में फीचर्स का वर्ड या करैक्टरिस्टिक्स का वर्ड इस्तेमाल करने तो इसका मतलब इसमें एडवांटेज ही लिखनी है। हो गया, इसके पॉइंट्स अभी भी याद करने, जिसने अभी याद ना किया वो पॉइंट्स याद करने। डिसएडवांटेजेस जी उसके बाद है, पहले मैं बता दूं आपको, सर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन और डिसरजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप नहीं बताया आपने, एक बच्चों आता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, आता ही सवाल काम है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है इसके पॉइंट्स रीड कर लें, वो भी लास्ट में, अभी नहीं, अगर नहीं भी करेंगे तो भी पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब इसके तीन तरीके आते हैं, राइट अ नोट ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टोन कंपनी, बास का खाली कंपनी भी लिखा हो तब भी एक ही बात है,
जॉय स्ट्रॉन्ग कंपनी लिखा हुआ तब भी एक ही बात है, बासका ऐसे लिखा होता है जॉय स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स किस किस ने याद किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, किसने भी याद नहीं किया वो पॉइंट से याद करना शुरू कर दें। गुड, आगे है बच्चों गुड। अच्छा जी, आ जाए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, डिस्क्राइब द ब्रीफ ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, या तो डिसोल्यूशन या जो है आपका वाइंडिंग अप कंपनी तो लाजमी आएगा। ये सबने याद किया हुआ है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कह रहा है ना, इसको आपने छोड़ना नहीं है वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है। देखिए मोड्स ऑफ कंपनी बहुत आसान है, बहुत अच्छे हैं। अगर पॉइंट्स आपको कम लग रहे हैं तो आपका तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, टेबल बनाएं, प्रेजेंटेशन करें, लाइंस लगाएं कि हमने शीट्स को फुल करना, फुल करना, ठीक है जी। ये भी हो गया, शेयर्स का मैं करा नहीं रहा क्योंकि वो बच्चों को याद ही नहीं होता। जितने मैंने बताया ना उसमें से इंशाल्लाह पेपर आपको हो जाएगा, टेंशन ही लेनी आपने, बस तैयारी करनी जी। बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसने याद किया है, उसमें भी देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, वही हैं, ठीक है बच्चों। सिर्फ पॉइंट की गेम है, पॉइंट्स आप लोगों ने तैयार करने हैं और ख़ुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि चांसेस ऑफ लॉस, तो ये तो भी पता है कि मैं इस पर क्या लिख सकता हूँ, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से बस पॉइंट्स, फिर कह रहा हूँ अभी जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद करूँगा आप लोगों ने पॉइंट्स याद करने, सबसे पहले पॉइंट्स याद करें, ठीक है। जब पॉइंट्स याद हो जाए फिर अंदर एक दफ़ा पढ़ें और आपने इसको जहन में याद रखें, उसको अपने अल्फाज में लिखें। नंबर मिल जाएंगे आपको, नंबर वो तभी देगा जब अपने अल्फाज में लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड को नंबर नहीं देता, क्लियर है। अच्छा जी बच्चों, इसकी टाइप्स है, टाइप्स है, टाइप्स किसने की है इसकी, हाँ जी टाइप्स भी पढ़ लें आप, बहुत आसान है। टाइप्स मैंने लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि टाइप्स भी कर लें, टाइप्स आप लोगों ने बच्चों लास्ट में करनी है, आपकी बुक जो भी है पॉइंट्स याद कर लेना। ये जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कर ली ना चैप्टर, उसका वैसे ही पेपर हो जाए। आगे आ जाए, हाँ जी बिज़नेस कॉम्पोजिशन बच्चों, बिज़नेस कॉम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। किस किसने याद किया, इसके दो सवाल आते बनते हैं और दोनों में से एक आता है इंशाल्लाह, एक आपका कॉजेज़ है बच्चों, किस किसने याद किया, ये कॉजेज़ है और कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस कॉम्पोजिशन, इसमें जो बिज़नेस को आपस में कंबाइन करते हैं। और एक आपका पास है बच्चों टाइप्स, मुझे बताएं किस किसने याद किया, अगर नहीं किया तो कर लें, बहुत आसान है, बहुत। ये सारे मैंने गैस में बताए हैं, हो गया। जैनब वालेकुम सलाम जी, लेट से आए हो, कहते हैं सर लास्ट टाइम वेरियस एंटीवायरस भी आए थे, वो थे बिजनेस कंपोजिशन के। मुझे कॉजेस कर लें, वैसे कॉजेस और जो है टाइप्स ऑफ जो है इसके बाद कंपोजिशन के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपको लग रहे हैं कि एडवांटेज क्या आ जाए तो जस्ट पॉइंट्स पढ़ लें, पॉइंट पढ़ लें आप, है वही चीज़ें, ठीक है पॉइंट्स पढ़ लें, लेकिन इतना है कि इंशाल्लाह पेपर उसमें से हो ही जाएगा जो बताया आपको। पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं, फिर बता रहा हूँ। मार्केटिंग का एक सवाल बच्चों आ जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, वो आसान वर्डिंग बहुत आसान लिखी हुई है, इसमें आपको सवाल आता है, देखिए सवाल है कितना छोटा,
असल में ये मार्केटिंग है, अगर आपके पास टाइम होता है ना तो बच्चे नहीं भी करें खैर है, लेकिन पढ़ लें आप एहतियात पॉइंट्स अगर आते हैं खुद से लिखेंगे। ये मार्केटिंग फंक्शंस और जो है तो नहीं आते इतने, मार्केटिंग फंक्शन का आता है मार्केटिंग, ये किधर गया, मिक्सअप के साथ आता है, ये देखिए मार्केटिंग मिक्स का सवाल ज़्यादातर आता है। ठीक है, इसके जस्ट पॉइंट्स पढ़ लें, इतना आसान मुश्किल नहीं, आसान है ये। जिसके मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ ना, इसके पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। फर्स्ट कह रहे अगर आप जाता है जस्ट पॉइंट्स के अपने अल्फाज में अंदर एक्सप्लेन कर रहे हो, नंबर दे देगा, वो नंबर आपको दे देगा, सवाल आप लोगों ने कोई नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग का आपका सवाल बहुत मुश्किल से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें से कुछ सवाल नहीं आता, आगे बिजनेस फाइनेंस से भी नहीं, इंश्योरेंस बचो, अब इंश्योरेंस का चैप्टर किस किसने याद किया है, सुहेल अली हेलो सर जी ने आज वालेकुम सुना जी, बच्चों इंश्योरेंस किस किसने याद किया, इसका भी सवाल एक आ जाता है जी। बोल रहे बच्चों जल्दी, इंश्योरेंस वाला मेरे पास नहीं था, और किसने याद किया, दस देखने लेकिन जवाब आ नहीं रहा, और किसने किया है, जल्दी बच्चों जल्दी, तो जिसने ना किया वो कर लें अभी। प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के आ जाते होते हैं। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सबके लिए एक ही है, चाहे वो फायर इंश्योरेंस है, नहीं किया बाकी सब किए हैं मैंने, याद करना है, कर लें कर लें। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस चाहे फायर इंश्योरेंस हो, मराइन हो, कोई भी हो, तो उसके प्रिंसिपल्स ये हैं बच्चों। इसके ना थोड़े से पॉइंट्स कम हैं, ठीक है, अब ये लॉजिक देख लें ज़रा, इसके पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 10। अब सर डिफरेंस कौन कौन सा आ सकता है बता दिया है, अच्छा एक और बच्चों, एक और ये डिफरेंस जेन में मेरे आया है कि डिफरेंस बटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, इसको देख लें आप लोग भी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इसको भी देख लें, क्योंकि इसका डिफरेंस आता होता है। कोशिश तो ये करें कि डिफरेंस के सवाल अटैम्प्ट करने ना पड़े, क्योंकि डिफरेंस के सवाल में ना पॉइंट्स ज़रा कम होते हैं, जो इस तरह होते हैं ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है, ज़्यादा नंबर, आई टू बी का रूल है, ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा नंबर, और शीट आप लोगों ने फुल करनी, किसी भी सूरत में शीट फुल करनी है, यानी कोई शीट आखिर में ना बचे जिसको आपने क्रॉस करना है, वो फुल फ्लैश हो, ठीक है। तो अच्छा, इसमें से प्रिंसिपल आप लोगों ने लाजमी करने इंश्योरेंस के, इसके अलावा कितना ख़ास इसमें से आता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। मैनेजमेंट का तो वैसे ही नहीं आता, और देखता हूँ क्या रह गया आपको, देखिए बच्चे मेरे पास नहीं कोई 2014 का पेपर है, बुक है, देखिए पेपर बड़ा आसान आता, बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। देखिए डिफाइन बिजनेस, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ बिजनेस, अब देखिए स्कोप ऑफ बिजनेस में कौन सा सवाल आना, वही जो मैंने आपको बताया, डिवीजन ऑफ बिजनेस सिंपल, वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट वन इज़ वीक इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, डिस्कस द स्टेटमेंट। सर मैंने इंश्योरेंस वाला चैप्टर नहीं किया, तो कर लेना, इंश्योरेंस वाला का एक ही सवाल आता बच्चों ज़्यादातर,
ठीक है। और नोट्स मैंने दिए थे, नोट्स जो मैंने दिए थे अब वो मेरे पास दिखे नहीं, तो वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं। नोट्स वही है, छोटे छोटे चीज़ें हैं वो याद कर लेना। और बास का कुछ क्वेश्चन आपने लॉन्ग में याद किए होते हैं, याद कर लेना अभी, तो लॉन्ग में जो याद किए होते हैं वो आपके इस तरह नोट्स के सेक्शन पर आ जाते हैं, तो उसमें कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें आपके क्या आने बच्चों, एडवांटेजेस आने डिस्कन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इनवर्स सर्कमस्टांस अंडर विच आर पार्टनरशिप डिसॉल्व। ठीक है, ये भी सवाल आ गया, सारे वही हैं, शेयर्स मैंने नहीं करवाया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, और बिजनेस कंपोजिशन, टाइप ऑफ बिजनेस कंपोजिशन। और ये नोट्स जो मैंने आपको गैस पेपर में दिए हैं ना, छोड़ दिया आई वी यू, तो कर लो बच्चों, अभी टाइम है, अगर आप उसके पॉइंट्स वगैरह याद कर लेते पढ़ लेते, इसमें खर्च नहीं, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा बल्कि आपके लिए फ़ायदा ही हो गया। कर ले, कर लें, अभी जो मैंने बता दी ना उसको कर लें। अभी 9 बजे हैं और 2 बजे पेपर होना है आपका, तो ईज़िली याद हो जाएगा। आई टू भी कौन सी मुश्किल है, इतनी ईजी है ये। वही टिप्स बताया सबसे बड़ा कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स याद करने हैं। आप बताएं सबको क्लियर हो गया? फोकस सर, जी सर, यस सर, चलिए मुझे मेन पॉइंट्स तो हो गए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको अब क्लियर हो गया होगा, कोई इशू तो नहीं है। कोई सवाल पूछना तो पूछ लें, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप जाके रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद पढ़ लें, क्योंकि आई टू बी में पॉइंट्स की सारी गेम है। जितने पॉइंट्स अच्छे लिखेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, तो मार्कर का अच्छा मार्कर का यूज़ करें, लाइंस कैसे लगानी है, डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, और ज़्यादा पॉइंट्स हो उसमें टाइम कैसे सेव करना है, ये सब चीज़ें जो है ये आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अब मुझे बता दें कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी ओके, क्लियर, थैंक्स लॉर्ड सर जी। अच्छा, और सबको क्लियर है? 10 देख रहे हैं और जवाब सिर्फ एक आ रहा है, स्टार साइट यही, एंड साइट। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपको पेपर है MBF का, इंशाल्लाह MBF को हम डिस्कस करेंगे। MBF में बच्चों की आती है बहुत ज़्यादा सप्ली, उसकी वजह क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है बच्चों, आप लोगों ने आज जो है कोशिश करना है कि लेट नाइट जाके रहें, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे MBF के बारे से, क्योंकि MBF के मैंने अभी गेस्ट नहीं डाले, तो कोशिश यही है कि इसकी वीडियोज़ बन जाए, और उसको कैसे तैयार करना है ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। लिंक लाइन का पूछा था कि स्टार साइट यहीं पर, एंड साइट प्लीज़ बता दें कौन है। फरहान का भी क्लियर हो गया, तो बच्चों अभी रेस्ट कर लो, उसके बाद आप लोग क्या करें, 11 बजे किताब को हाथ लगाएं, पॉइंट्स याद करें, पॉइंट्स को लिखे। फिर कहता हूँ कि पॉइंट्स जो आप लिखते हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्लियर है सबको? 10 स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो 10 का ही आंसर आना चाहिए।
जो पेपर में लगाते हैं स्लाइड पर वो लाइंस। क्या बताओ मैं? हाँ जी सुहेब अली, आप क्या पूछ रहे लाइन के बारे में? ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा मुझे, किस तरह की लाइन? ओके क्लियर सर, थैंक्स। ठीक है, बच्चों जो सवाल पूछ रहे हो जरा प्रॉपर पूछा करो ना। सवाल आप पूछोगे सही तरह से पता चलेगा ना, लाइन का तो नहीं समझ आ गई, साइड पे लगाते हैं लेकिन उस लाइन का क्या करना है? मार्कर का पूछ रहे हो?